और ब्राह्मण डेवलपमेंट काउंसिल्स लगातार बनते रहे। आंध्र प्रदेश में बना, तेलंगाना में बन गया, पंजाब में बन गया, आसाम में बन गया, हिमाचल में भी बना। अभी पिछले दिनों आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी ने बना दिया। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि ब्राह्मण डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ पर हर प्रांत में बन जाए। स्वयं आदरणीय कलराज मिश्र जी वहाँ हैं, तो वैसे भी ब्राह्मणों का प्रधानता है और ब्राह्मण प्रदेश है, उसमें भी बन जाए। मुझे आशा है पंडित कलराज मिश्र जी को स्मरण होगा, जब हमने वृंदावन बहुत बड़ा सम्मेलन किया था तो वो मुख्य अतिथि थे और उसमें भी ये आवाज उठी थी। मैं ये चाहता हूँ कि प्रिजर्व प्रमोट वैदिक कल्चर तभी होगा जब सब जगह सारे देशों के अंदर ये संस्थाएं स्थापित होंगी। और मुझे प्रसन्नता है ये कहते हुए कि महामहिम शंकराचार्य, श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने एक प्रण कर रखा है, जो हमारे चीफ एडवाइजर हैं, उन्होंने प्रण कर रखा है कि हम स्थान स्थान पर मंदिर खोलेंगे। उन्होंने वाशिंगटन में बड़ा शानदार मंदिर बनाया, उन्होंने कनाडा में बड़ा शानदार मंदिर बनाया, और जो भी लोग जाते हैं वहाँ ठहरते भी हैं और उनमें काम करते हैं। तो वैदिक कल्चर की स्थापना जो संस्कृत के अग्रणी नेता हैं या सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं वो करते रहते हैं, लेकिन ये मिश्रा जी की बहुत अच्छी सुझाव है कि हम इसको और आगे बढ़ाएं, अग्रसरित करें। मैं आशा करता हूं कि अगले 2-3 वर्षों में, अभी कल हमारे पास वो मॉरिशस से डॉक्टर ओम शर्मा जी भी थे, शैलेन रामकृष्ण जी भी आए हुए थे, और मैंने उनको कहा तो वो कहने लगे कि कितने हैं मंदिर। अभी पिछले दिनों पंडित कलराज मिश्र जी वहाँ गए भी थे, कितने मंदिर हैं और इस तरह से वैदिक प्रचार प्रसार किस प्रकार से हो रहा है ये आपने देखा। लंदन में भी मैं देख कर आया हूँ कितने शानदार मंदिर हैं। तो इस तरह से मंदिर अधिक से अधिक बने और उन मंदिरों के अंदर ब्राह्मण इकट्ठे हों, सब मिलें, त्योहारों पर मिलें, जैसे आज महाशिवरात्रि का है तो महाशिवरात्रि पर मिलें, ये मेरा अनुरोध है सभी से। साहब, आपने बहुत अच्छे से बात को रखा। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा लंदन के सांसद और लगातार 4 बार वीरेंद्र शर्मा जी उस जगह से जीत के आते हैं जो लंदन, वो अंग्रेजों की धरती है। उन अंग्रेजों के बीच बीच में जीत के आने वाले ऐसे हमारे सम्माननीय वीरेंद्र शर्मा जी लंदन के ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी हर वर्ष हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं बिल्कुल जिसमें डॉक्टर दिवाकर शुक्ला जी भी रहते हैं और सब ऐसे सम्माननीय डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो सबको संबोधित करें। आज ब्राह्मण समाज के अलग अलग देशों से लोग जुड़े हुए हैं, मैं आग्रह करूंगा वीरेंद्र शर्मा जी अपनी बात कहें। वीरेंद्र जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज अब आ रही है। आपके आ रही है, इधर तो सुनाई नहीं पड़ रही। वीरेंद्र जी की आवाज आ रही है? नहीं, वो नहीं आ रही। दिख रहे हो वीरेंद्र जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपको उनको कहिए अनम्यूट करेंगे अपने आप को, मैसेज डाल दीजिए जरा प्लीज। वो म्यूट किया हुआ है उन्होंने अपने आप को। वीरेंद्र जी, आप अनम्यूट करें। हाँ, आप
उनको अनम्यूट करा दीजिए अपने वहां से ना, ऑफिस से अनम्यूट करा दीजिए। वीरेंद्र जी को अनम्यूट करो। हाँ हो गया। डॉक्टर अनम्यूट है वो, इसलिए बाद में बोल लेंगे। चलिए मैं सेटिंग्स का जो ऑप्शन है उसमें आपको माइक्रोफोन सेलेक्ट करना पड़ेगा, या तो ऐसे ही करें कि अभी अभी जब तक टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक हो देन नेक्स्ट चलाएं अभी। आप चलिए भाई साहब, आप फोन पे कॉल लेकर उनका फोन पे चला दें, या तो मिश्रा जी और भी बहुत आदमी लाइन पर हैं, आप कृपा करके उनको भी आग्रह दें। मैं आग्रह करना चाहूंगा डॉक्टर ओम शर्मा जी से, जो हमारे बीच में अमेरिका से हैं। वीरेंद्र जी जब तक अनम्यूट करेंगे मैं उनको मैसेज डाल रहा हूं, तब तक मैं डॉक्टर ओम शर्मा जी से आगे करूंगा अपनी बात। थैंक यू पंडित सुरेश मिश्रा जी। लेट मी स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। माय हार्टिएस्ट ग्रीटिंग्स टू आदरणीय श्री कालराज मिश्र जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ राजस्थान, विद्वान मित्रों, देवियों एंड सज्जनों। थैंक यू पंडित सुरेश मिश्रा जी and the entire organizing committee for arranging this very important conference and providing an opportunity to discuss issues related to Brahman value system in reference to current pandemic. As we know that we are in the midst of very stressful, depressing times as the whole world is gripped in the coronavirus pandemic. Various professionals of the society like healthcare providers and others are fighting against time to save lives. Economies are declining across continents and people are worried, fearful, anxious about their lives, jobs, sustenance, well-being of themselves and their loved ones. A lot of people have asked how spirituality can help in this fearful, stressful, depressing situation. And I would like to share my thoughts on this that I have been sharing here with the mainstream people as well as people of our Indian origin. Indeed, spiritual practices are very helpful for all of us, especially in such stressful times. Remember, Bhagavan Sri Krishna gave divine message of Gita to Arjun in battlefield, a very stressful situation. Arjun was not an enlightened person either. Rather, he was an ordinary person like us. Certainly, spirituality has relevance in suffering times of people. Remember, as Buddha said, imagine the suffering from two arrows hitting a person in a rapid succession. First arrow is the one that the world throws on us. In this case, coronavirus is the first arrow. The second arrow is our own internal reaction to the first arrow. Majority of the suffering is caused by the second arrow. In this case, certainly stress, fear, anxiety, social isolation, job loss, economic downturn, depression, etc. These are all the effect of our reaction to the second arrow. So practical measures such as prevention, medical treatment, etc. can help to remove suffering from the first arrow. And spirituality is a great help to eliminate the suffering from the second arrow. So therefore, I would like to just speak about that. But there are four great practices in Sanatan tradition, particularly helpful in times of crisis. All those are summarized in Bhagavad Gita, path of knowledge, action, meditation, and devotion. The practice of knowledge, according to practice of knowledge, changes in body-mind complex appear in unchanging consciousness. And suffering is at the level of body-mind in which suffering comes and goes. Consciousness illumines each changing state, but it's free from changing by itself. Hence, the suffering is not at the level of consciousness, it's only at the body-mind level. And the same consciousness shines in all of us
at all the times, and we are that unchanging consciousness, not the ever-changing body-mind. According to Ashtavakra, we are infinite ocean of consciousness in which entire world arises as a wave which comes and subsides. The entire world and our lives are just an appearance floating as a small boat. Any change in the appearance does not make any difference to the ocean. It is time to practice this Vedantic path at this time, because it is always true, even right now. So we are armed with this knowledge, and these ideas are our armor against the suffering with corona-related pain. So our experience can be divided into three states: waking, dreaming, and deep sleep that appear and disappear in the fourth turiya. Teachings of Gaudapada tell us that actually waking and dreaming are the state of appearance only. A few months ago, the whole world suddenly became strange. In a very short time, it will return to normal again. I'm talking about coronavirus-related pandemic, and past few weeks will feel like a dream. Both states are unreal, like dream, appearance of unchanging consciousness, which is real. So separating the dreams from consciousness is a practical means to give us immediate peace, strength, and joy. Another practice is of karma yoga. An attitude of service for the welfare of others gives us gratification, joy, and peace. With the closed eye, I think of supreme power that is responsible for creating and sustaining the whole world. And when you open your eyes, think about how you can serve the humanity. Think of ways to contribute to diminish the suffering caused by current pandemic. It will help to purify your mind. So I'm just trying to say that these four practices will help us to go through this pandemic situation and a stressful situation. Third practice is meditation, which is also very important because mind can fix only at one thing at a time. Think about God all the time. You will not leave room for the anxiety or worries. So that another practice is devotion. And bhakti is very important, as there is a great power which has changed all our lives. But there is another bigger power than that, is the one who is going to protect us, which is benevolence, which is kind to us and sustain us. So all these four practices are very helpful in the time of stress. So serve the God imminent in all forms, in all your chosen practices, whatever practice you like out of these four. It is best thing to serve the humanity. Thank you, Dr. Sir. बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बहुत अच्छे से समझाया हम सब लोगों को. क्योंकि आप बहुत सारे हैं, तो मैं आप आग्रह करना चाहूंगा श्री वीरेंद्र शर्मा जी से, लंदन के सांसद महोदय जुड़ गए हैं सर. आवाज अब सब आएगी. वीरेंद्र शर्मा जी, स्वागत है आपका. वीरेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है. अभी भी आवाज नहीं आ पा रही है. वीरेंद्र शर्मा जी की आवाज अभी भी नहीं आ पा रही है. अभी भी वो आजाद कौशिक जी, नमस्कार. नमस्ते पंडित सुरेश मिश्रा जी, माननीय राज्यपाल जी श्री कालराज मिश्र जी, पंडित मांगेराम शर्मा जी, डॉक्टर दिवाकर शुक्ल जी, श्री वीरेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर ओम शर्मा जी तथा अन्य अतिथिगण, कैनेडा के ब्राह्मणों की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभारी हूं कि आपने राजस्थान की वीर भूमि से ये कार्यक्रम आयोजित किया है. हम सब कैनेडा में प्रसन्नचित हैं. COVID-19 की महामारी से यहाँ काफी बचाव हो गया है. स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी कंट्रोल में है. बाकी मैं आपसे कुछ विषय पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि माननीय राज्यपाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं. मैं थोड़ा सा आपको जो ब्राह्मण समाज में आज की जो यहाँ पर सोच है विषय पर कुछ कहना चाहूंगा. मुझे आप थोड़ा सा ये बता दीजिए पंडित मिश्रा जी, कितना समय है मेरे पास?
आप अनम्यूट करें, अनम्यूट करें सर जी. सॉरी, ओके, जस्ट अ मिनट, आई एम अनम्यूट. यस, ओके, मिश्रा जी आपके पास 3 मिनट का समय है सर. 3 मिनट का समय, 3 मिनट का समय. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्राह्मण विदेश में जीवित है और यहां पर स्थिति इस प्रकार की है, जो हमारी ब्राह्मण विचारधारा है उसको नॉर्थ अमेरिका ने पूरी तरह से अपना लिया है. यहाँ के जो भी जाने माने व्यक्ति हैं वो अपना परिचय आज एक ब्राह्मण के रूप में यहाँ पर देते हैं. यहाँ के जो पिछले प्रेसिडेंट भी हुए हैं वो भी अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं. इतना ही नहीं, पंडित शब्द का उपयोग यहाँ पर लर्निड लोगों के लिए किया जाता है. तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसी हमारी ब्राह्मणों की विचारधारा है उसी विचारधारा को लेकर पिछले 100-150 साल से अमेरिका ने बहुत कुछ सीख कर यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव क्लब भी बने हुए हैं जहाँ पे केवल ब्राह्मण ही अलाउड हैं. और यहाँ अभी बॉस्टन में अभी भी बॉस्टन टी पार्टीज होती हैं. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण विचारधारा हमारे ऋषि मुनियों की देन के कारण आज हमारी जो विचारधारा है सारे विश्व को प्रभावित कर रही है और इसका हमें गर्व है और इसी कारण हम सबको यहाँ पर बहुत सम्मान मिलता है. और यहाँ बहुत ब्राह्मण उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, पूर्व से, पश्चिम से यहाँ पर उपस्थित है. तो ये एक बड़े गर्व की बात है कि हमारी धरोहर वो इस दुनिया की आज के दिन पहचान है. ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगा कि ये भारत का एक बहुत अच्छा समय है कि इस समय हिंदू रिसर्जेंस भारत में हो रही है. और अच्छी बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ अभियान चलाया और आप ये देखिए कि COVID-19 की महामारी किस प्रकार से सारे विश्व को ग्रसित कर रही है. यदि हम भारत को स्वच्छ बना दें तो हम वहां भी स्थिति इसी प्रकार की होगी जिस प्रकार यहाँ कनाडा में है. हमने यहाँ इस बीमारी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है. तो बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन ये विषय ब्राह्मणों का है. मैं केवल 3 बातें आपसे कहना चाहूंगा एंड मैं क्षमा चाहूंगा आप सबसे, क्योंकि ब्राह्मण तो सत्य बोलता है और यदि इस सत्य में मैं थोड़ा सा कुछ ऐसी बात कह दूं जो अच्छी ना लगे तो कृपया आप मुझे क्षमा करना. मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं. किसी भी देश, किसी भी समाज को आगे जाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है. हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा राजनीतिक जो 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 जिस प्रकार की प्रक्रिया है, इन 3 चीजों की आवश्यकता है. जब हम अपनी संस्कृति की ओर देखते हैं, हमारी संस्कृति विश्व ने अपना ली है, हमारे वेद विदेशों में पढ़ाए जा रहे हैं, संस्कृत विदेशों में पढ़ाई जा रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे सनातन धर्म को हमारे भारत में ही मिलावट करके नीचे गिराया जा रहा है. यदि सनातन धर्म नहीं रहेगा, यदि ब्राह्मण जीवित नहीं रहेगा तो भारत भी जीवित नहीं रहेगा. ये मुझे बड़े स्पष्ट रूप में आपको कहना पड़ रहा है, मुझे दुख है इस बात का. तो सनातन धर्म की ओर हमें अब विचार करना चाहिए और किस प्रकार से हम सनातन धर्म से एक धार्मिक समाज की पुनर्स्थापना कर सकें जिसमें ब्राह्मणों का योगदान विशेष रहेगा. हमारे मंदिरों की स्थिति भी अच्छी नहीं है. बहुत सारे मंदिर वहां पर जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आज ये मंदिर ब्राह्मणों के साथ नहीं है. यदि ब्राह्मणों के पास मंदिर नहीं है तो ब्राह्मण किस प्रकार से धर्म के लिए कार्य कर सकता है. तो ये तीसरी जो बात संस्कृति के विषय में, और ये एक बड़ी ये कई सालों से चलता आ रहा है. देश की स्वतंत्रता के बाद कुछ समय तक अच्छा चला और अच्छा नहीं चल रहा है. भारत की संस्कृति पहले तो जिसको बॉलीवुड कहते हैं, मैं तो वो नाम भी लेना नहीं चाहता, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, जिस प्रकार से उन्होंने हमारी संस्कृति को दूषित किया है और अभी भी दूषित कर रहे हैं. और अब ये एक कदम और आगे बढ़ गया है. अब खाली बॉलीवुड पर डिपेंड नहीं करना है, अब तो नेटफ्लिक्स आ गया है,
अमेजोन प्राइम आ गया है, उसके माध्यम से एंटी ब्राह्मण काफी वहां पर दिखाया जा रहा है। और माननीय राजपाल जी, मैं आपकी आपकी दृष्टि में ये बात डालना चाहूंगा, विशेषतया अभी एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, मुजफ्फरनगर अभी बाकी है, उसमें हिंदुओं को बहुत गलत ढंग से दर्शाया गया है, और मुझे दुख है ये कहते हुए कि उसमें आपको भी दिखाया गया है, जबकि आपने कहीं पर कोई इस प्रकार का कहीं कोई बात भी नहीं है, कहीं आप दूर तक भी उससे जुड़े हुए नहीं है, लेकिन उसको गलत ढंग से दर्शाया गया है। तो इसी प्रकार से काफी सारी चीजें आ रही हैं, एक मूवी बनी है ब्राह्मण नमन, जिनमें ब्राह्मणों को काफी नीचे गिराया गया है, दक्षिण ब्राह्मणों के विषय में बनी है। इकोनॉमी की बात, ब्राह्मणों की स्थिति अच्छी नहीं है, रिजर्वेशन कोटा और बगैर मेरिट के भारत विश्व के अंदर आगे नहीं बढ़ सकता है, अमेरिका मेरिट की उस पर बुनियाद पर बना है और मेरिट से ही आगे बढ़ रहा है, और यदि हमारे यहाँ जो ब्राह्मणों ने मेरिट की स्थापना की थी गुरु द्रोणाचार्य से लेके आज तक, वो मेरिट उस भारत में कहाँ चली गई, कहाँ है हमारा भारत जहां पर के मेरिट की सबसे बड़ी मान्यता थी। धन्यवाद साहब, बहुत ब्राह्मणों की है, बस एक मिनट और लूंगा सुरेश जी। उसके बाद अंतिम जो हमारा जो राजनीतिक जो है, पहले हमारे कश्मीर में ब्राह्मणों को वहां से निकाला गया, अपने ही घर में उनको अपने घर से वंचित कर दिया गया, अब ऐसी स्थिति मुझे बहुत दुख हो रहा है कहते हुए कि ये उत्तर प्रदेश से भी आ रही हैं। हमारे अगर हम सनातन धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो ये कोई भी समस्याएं नहीं आएगी, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि ये सब जो बातें विदेश में पहुंचती है इसका दुष्प्रभाव हम सब पर पड़ता है। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपने बहुत अच्छा बोला और अपनी बात अपने अच्छे से रखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करना चाहूंगा, वीरेंद्र शर्मा जी अगर आ गए हैं तो वीरेंद्र शर्मा जी लंदन के सांसद महोदय, वीरेंद्र जी हेलो, सुरेश जी वीरेंद्र जी शर्मा जी को फोन पे हमारे बीच जुड़े हुए हैं श्री नरेशन शर्मा, श्री नरेशन शर्मा इटली से। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं आज के इस वेबिनार के संयुक्त आयोजक पंडित श्री सुरेश मिश्रा जी का, वैदिक एजुकेशन के संरक्षण प्रचार और प्रसार के बारे में बात करना वर्तमान समय में संभवतः उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग। वैदिक नॉलेज को मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के नाम पर अति धुंधला कर दिया गया है। ब्राह्मण समाज की महान विभूतियों के साथ यह प्लेटफॉर्म शेयर करना मेरे लिए अति सौभाग्य की बात है। महामहिम श्री आदरणीय श्री राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी और उपस्थित अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं एक NRI हूं और इटली में स्थापित हूं। मुझे गर्व है कि मेरी सभ्यता से जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है वह मुझे मेरे देश, मेरी संस्कृति, वेदों द्वारा दी गई शिक्षा के और करीब लाती है। मैं ग्लोबल ब्राह्मण फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूं और पंडित सुरेश मिश्रा जी ने मुझे मेरे ब्राह्मण होने के परम कर्तव्य को पूर्ण करने का मौका दिया और ये पद मुझे प्राप्त हुआ। इस पद के साथ न्याय करने की कोशिश करते हुए मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हजार से ज्यादा ब्राह्मणों को सर्व ब्राह्मण महासभा को मजबूती देने के लिए अपने साथ जोड़ा है। बिना किसी बाहरी मदद के GBF में हम मेघावी विद्वान छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। आज हम वैदिक एजुकेशन के बारे में बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी विद्वान लोगों ने इसकी महत्ता, प्रचार प्रसार के बारे में सभी का अति ज्ञानवर्धन किया है। मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ यदि कहूंगा कि वर्तमान समय में स्कॉलर्स को वैदिक साइंस, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी इत्यादि के बारे में गुड रिसर्च करनी चाहिए। संपूर्ण विश्व में वैज्ञानिक आज आविष्कार करके नाम कमा रहे हैं। इन सभी आविष्कारों का वर्णन हमारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि में सहस्त्रों वर्ष पूर्व किया जा चुका है। रेफरेंस के लिए मैं बताता हूं, पुष्पक विमान के बारे में रावण संहिता में वर्णन है कि वह सौर ऊर्जा से चलता था। हमारे वेदों में ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, तारों का विस्तृत क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है।
मैंने स्कूल में पढ़ा है कि 9 ग्रह होते हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं कि 8 ग्रह होते हैं, और प्लूटो ड्रॉप प्लैनेट शुद्ध ग्रह है जो कि हमारे यहाँ पे वर्णित है। नासा को कई अध्ययन करने पड़ते हैं तब पता चलता है कि कब कहाँ कितनी देर के लिए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होगा। इन सभी एस्ट्रोनॉमिकल मूवमेंट्स की डिटेल्ड स्टडी विद एग्जैक्ट डेट्स एंड टाइम्स एज पर वैदिक एस्ट्रोनॉमी एंड वैदिक मैथमेटिक्स हैज बीन मेंशन्ड इन आवर पंचांग। और भी आने वाले हजारों सालों के लिए लोगों के पास इसकी गणना है। ऐसे कई फैक्ट्स और एविडेंसेस जैसे लक्ष्मण रेखा क्या एक सिर्फ लाइन थी, एक तीर से कई तीर बन जाना, दिव्य दृष्टि का होना, क्या ऐसा कोई जादू था? हमारे वेद इतने रिच हैं कि आज का युग इसके सामने अत्यंत गरीब प्रतीत होता है। यह समय की जरूरत है कि इस समुद्र से भी गहरे वैदिक ज्ञान सागर को भर किया जाए, इसे लाइमलाइट में रखकर आने वाली जनरेशन को इस महासागर के अद्भुत रत्न मोती अमृत निकालकर संपूर्ण विश्व का कल्याण करने योग्य बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आधा मिनट और लूंगा बस। वैदिक एजुकेशन को एक कंपलसरी अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में स्कूल एजुकेशन का पार्ट बनाया जाए। कितने ही अनसुलझे सवालों के जवाब, कितने ही आविष्कारों की जड़ जननी का पता यहीं से चलेगा। रिसर्च और स्टडी मोर देन अबाउट वैदिक साइंस को एक्सप्लोर मोर अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। वैदिक नॉलेज का प्रसार और प्रचार करने की से ज्यादा महत्वपूर्ण है वेदों की जननी भारत माता ने इसका संरक्षण किया जाए। यदि हम भारतवासी हम ब्राह्मण ही इसे आधुनिक और पाश्चात्य विकास के नाम पर बुला देंगे तो इसका प्रचार और प्रसार निरर्थक हो जाएगा। आइए हम सब वैदिक एजुकेशन के संरक्षण को ब्राह्मणत्व का ध्येय बनाएं और प्रण करें। उत्तिष्ठत है, जागृत है, प्राप्त है, आरानी बोलत है, अर्थात उठो जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक कि अपना लक्ष्य काम हासिल ना। जय भारत, जय भगवान पुरुषोत्तम। धन्यवाद नरेशन जी। मुझे तब वीरेंद्र जी आप आ गए हैं। नमस्कार वीरेंद्र जी। उनको आपकी आवाज आ रही है, वो वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उनका वीडियो वहां से उन्होंने अनम्यूट किया हुआ है। सुरेश जी अपनी टेक्निकल टीम से देखिए कि क्यों नहीं हो रहा उनसे आवाज। वीरेंद्र जी लोकल, वीरेंद्र जी की मशीन में उनको सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, माइक सेलेक्ट करना पड़ेगा उनको लोकल। तो आप अगर मोबाइल से तो मोबाइल में भी करना पड़ेगा। He has got it checked and he said that everything is working well from his side. So I don't know why we can't hear him because I just talked to him just a minute ago. Suresh ji, आप एक बार उनको फोन पे बात कर लीजिए प्लीज। डॉक्टर शुक्ला बाई टीम से बोलिए कि बात करने उनसे। उनको बोलिए वो सेल फोन से एक्चुअली उसके लिए वॉइस के लिए और वीडियो को ऑन रखें। अब मैं जब तक ये बोले उसके पहले अब मैं आगे करना चाहूंगा डॉक्टर दिवाकर शुक्ल जी जो वर्ल्ड महासभा का काम देख ही रहे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम से इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। ये ब्राह्मणों की बड़ी शान है लंदन में और हर वर्ष भारत गौरव जो अवार्ड फंक्शन लंदन की ब्रिटिश पार्लियामेंट में आयोजित होता है उसके संरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। डॉक्टर दिवाकर शुक्ल जी से आगे कहूँगा अपनी बात कहें। आदरणीय कलराज मिश्र जी, पंडित मांगेराम शर्मा जी, सुरेश मिश्रा जी, हमारे परम आदरणीय वीरेंद्र शर्मा जी जो कि जिनकी सपोर्ट से ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और बहुत सारी ग्रामेटिकल वैल्यूज हम लोग यूके और पूरे वर्ल्ड में फैला रहे हैं। पंडित आजाद कौशिक जी, ओम शर्मा जी और सभी विद्वान यहाँ पर, सबको मेरा नमन। कुछ बातें जो मुझे समझ आ गई हैं आज की बात से कि आप जो लीडर्स हैं जैसे हमारे ऑनरेबल कलराज मिश्र जी को हम लोग देखते हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री को जब देखते हैं तो किस तरह से उन्होंने हर जगह एक गुरु की भूमिका निभाई है, क्या इसी तरह की भूमिका आप मेंटरिंग हम लोग करें जैसे हमारे जो कलराज मिश्र जी हैं, अपने जैसे कुछ लीडर्स और इस ब्राह्मण लीडर्स को अगर और डेवलप करेंगे और लेके आएंगे सामने तो धीरे धीरे एक ब्राह्मणिकल एक उसकी वैल्यू बनेगी, लोग इकट्ठा होंगे। जो ब्राह्मण लीडरशिप प्रोग्राम जो है मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हम सब लोग जो हैं उसको सपोर्ट करें। और वही बात मैं आप सब जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं ब्राह्मण्स के उनसे भी मैं कहता हूं कि
जिस भी कार्य में आप रख रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, इट इज बेटर कि किसी तरीके से अपने ब्राह्मण लोगों को किस तरह से एम्पावर करें उसके बारे में सोचिए. रेलिवेंस ऑफ वेदर्स इन प्रेजेंट एरा, एक हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस की थी 2014 में, पंडित वीरेंद्र शर्मा जी की सपोर्ट रही थी उसमें, और वहां से वेदों के ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा कार्य शुरू किया. और इस साल एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और भी ऑर्गेनाइज की थी जो कि अप्रैल में थी, लेकिन कोविड की वजह से हमें नेक्स्ट ईयर उसको के लिए उसको पोस्टपोन करना पड़ा. द पर्पस ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस और पर्पस ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस वाज कि हमारी जो वैदिक सभ्यता है उसको साइंटिफिकली और क्लिनिकली हम आगे के लोगों के साथ कैसे शेयर करें, क्योंकि आजकल की जो यंग जनरेशन है उसको कहीं ना कहीं ये तो समझना पड़ेगा कि जो हमारी वैदिक साइंस है और इसके साथ साथ जो ब्राह्मणिकल जो रिसर्च हुई है, जो ब्राह्मण जो है एक तत्व है, उसको हम लोग कैसे आगे लेके जाएं, अपनी यंगर जनरेशन को कैसे एम्पावर करें. और वो तभी पॉसिबल होगा जब ब्राह्मण जो हैं, जो लीडर्स हैं, वो केवल कुछ लोगों के साथ जुड़ के नहीं, जो समाज में ब्राह्मण में सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है तक अगर हम नहीं पहुंच पाएंगे तो आई डोंट थिंक कि हम लोग अपने ब्राह्मण लीडर होने का एक दायित्व पूरा कर पाते हैं. ब्राह्मणिकल वैल्यूज को हम आगे कैसे लेके जाएं, एक तत्व जो ब्राह्मण का होता है, एक ब्राह्मण कहना तो बहुत आसान है लेकिन ब्राह्मण जो है जाति नहीं, एक वर्ण परंपरा भी है, और वर्ण में ब्राह्मण के क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो क्वालिटीज हम सब अपने अंदर और उजागर करें और अपनी यंगर जनरेशन तक लेके जाएं. मीडिया की बात आपने अभी करी आजाद कौशिक जी ने, मीडिया में अब आप देखें कि बहुत सालों से 50-60 साल से एक बहुत सिस्टमैटिक ढंग से हिंदुइज्म को और ब्राह्मण्स को पर्टिकुलरली टारगेट किया जा रहा है. पंडित सुरेश मिश्रा जी, आप और जो भी लीडर्स हैं, एक लॉबी ऐसी बनाइए जो कि ब्राह्मण वैल्यूज को आगे लेके जा सकती है. जैसे अभी हमारे पास अशोक पंडित जी और कुछ इस तरह के ब्राह्मण डायरेक्टर्स हैं, लीडर्स और प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं अगर आप उन सबके साथ कनेक्ट करेंगे तो एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस की जरूरत है. जैसे अमेजोन और प्राइम की बात करी, ऐसे नेटफ्लिक्स में हर जगह, लेकिन वो टारगेट ब्राह्मण को क्यों करते हैं वो भी हमें समझना पड़ेगा, बिकॉज इट इज वेरी साइकोलॉजिकल. अगर धर्म की आपको धर्म को नाश करना है तो उसका सबसे बड़ा तरीका क्या है कि सबसे पहले जो उसकी फाउंडेशन है धर्म की उसको खत्म करिए. और ब्राह्मण जो है वो फाउंडेशन है एक धर्म को प्रोटेक्ट करने का, धर्म को बढ़ाने का. इसीलिए आपको हम सबको जैसे ब्राह्मण हैं उन सबका एक बहुत बड़ा दायित्व इस समय ये हो जाता है कि ब्राह्मणिकल जो भी जो ब्राह्मण थॉट प्रोसेस जो है उसको हम रीएस्टैब्लिश करें, और मीडिया उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है. ऐसे ही आप कुछ फंडर्स को ढूंढिए, जो इन्वेस्टर्स जो बड़े ब्राह्मण्स हैं उनसे कहिए कि आप मीडिया में आइए, क्योंकि जब तक आप मीडिया में नहीं आएंगे, कुछ मूवीज अपनी नहीं बनाएंगे, अपनी ब्राह्मणिकल वैल्यूज को आप आगे नहीं शेयर करेंगे, देन हाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. अभी पंडित सुरेश मिश्रा और पंडित मांगेराम जी ने शंकराचार्य जी के बारे में बात करी. शंकराचार्य जी जैसे, एक बार मैं सुन रहा था शंकराचार्य जी के बारे में, जैसे पोप होता है वो कहीं पे भी जाते हैं तो उनके पूरी दुनिया में उनका सम्मान होता है. शंकराचार्य जी जब चलते हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट के फैसिलिटीज क्या है, क्या हम लोग एज ए ब्राह्मण एंड ब्राह्मण लीडर्स डू वी स्टैंड फॉर शंकराचार्य जी, जो चार शंकराचार्य हैं हम लोगों के, क्या हम उनके साथ खड़े होते हैं एक ब्राह्मणिकल लीडर्स के रूप में, और क्या हम उनके जो उनकी जो पदवी है उसका सम्मान जिस रूप से होना चाहिए हम ब्राह्मण लोग कर पा रहे हैं, उसके लिए कैसे अवेयरनेस क्रिएट किया जाए. वो हमारे संस्था के एक तरीके से दे आर द फाउंडर्स, मतलब फाउंडेशन जो है एक पिलर्स के रूप में है, उनको हमें रीस्टैब्लिश करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनके थ्रू हम रीस्टैब्लिश हो पाएंगे. आई थिंक दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से. पंडित जी उनसे बात हुई क्या? वो आगे वृंदा जी आ गए, अब उनसे सुनते हैं हम लोग. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी. अब मैं वीरेंद्र शर्मा जी से आग्रह करूंगा अपनी बात कहें. वीरेंद्र जी वैसा बोलिए, वीरेंद्र जी आ गए.
नहीं हो पा रहा ना, नहीं हो पा रहा है, looks like he is speaking but we can't hear. Yeah, unfortunately that's what happening. नमस्कार, मैं आग्रह करना चाहूंगा जिन्हें हम सुनने के लिए बहुत देर से बेताब हैं, हमारे ब्राह्मण समाज के धरोहर और हम सबके अग्रज सम्माननीय महामहिम डॉक्टर कलराज मिश्र जी से आग्रह करूंगा कि वो ब्राह्मण समाज को संबोधित करें और पूरे अलग अलग देशों के जो आपसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए भी लोग हैं उससे आपके साथ में यहाँ पे अपनी बात आप सुनना चाहेंगे. माननीय महामहिम डॉक्टर कलराज मिश्र जी सभी को नमस्कार. विश्व इसमें भाग ले रहे आदरणीय वरिष्ठ कम ब्राह्मणों को जो दिशा निर्देश करते हैं ऐसे पंडित मांगीराम शर्मा जी, हमारे लंदन के सांसद आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर दिवाकर शुक्ल जी, पंडित सुरेश शर्मा जी जिन्होंने यह आयोजन किया है और आज के इस वर्चुअल उसके अंतर्गत जो हम लोग एक दूसरे के विचारों को सुन रहे हैं, इसका जो अवसर उपलब्ध कराया ऐसे पंडित सुरेश शर्मा जी, हमारे कनाडा के बड़े ही गतिशील व्यक्तित्व के धनी हमारे डॉक्टर आजाद कौशिक जी, हमारे श्री ओम शर्मा जी, हमारे श्री नरेशन शर्मा जी, हमारे पांडे जी भी दिख रहे हैं, इसी पांडे जी भी, आलोक शर्मा जी, जो भी आज के इस सम्मेलन में विचारों को सुन रहे हैं ऐसे सभी सम्मानित महानुभाव. आज श्रीमान शर्मा जी ने मुझे कहा कि एक बार सभी लोगों को कोरोना महामारी के दौरान जिसके कारण अवसर उपलब्ध हुआ है सबके विचार को सुना दी जाए और विश्व के देशों में ब्राह्मणों के माध्यम से मानव सेवा किस तरह से परिणाम दिया जा रहा है इसके बारे में भी जानकारी दी जाए, क्योंकि ब्राह्मणों का जो चिंतन है बड़ा व्यापक है और आज से नहीं है. ब्रह्म में जो रमण करता है ब्राह्मण है और इसको जात विशेष की संज्ञा नहीं दी गई. ऐसे को ब्राह्मण कहा गया था जो उस प्रकार के उच्चस्त तपस्वी का जीवन व्यतीत करते हुए स्वयं साक्षात्कार किया था, लगातार उसमें रमण करता है, जिसके अंदर सकारात्मकता लगातार विद्यमान पॉजिटिविटी और उसके आधार पर मानव को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है इसका चिंतन रहा करता था. विभिन्न प्रकार के आविष्कारों के जरिए लोगों को नई दिशा से प्रदान की जा सकती है जीवन के हर क्षेत्र में, इसकी पहल करने में भूमिका रही है और इस प्रकार के मस्तिष्क से उर्वर मस्तिष्क के धनी जो रहे उनको ब्राह्मण के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया और कहा गया कि जहां रहते हैं जिस देश में रहते जिस देश की संस्कृति परंपरा संस्कार जिसके माध्यम से मानव का निर्माण होता है और उस व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने में सहयोगी होता है आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दृष्टि से समन्वित विकास, व्यक्ति के व्यक्तित्व का समन्वित विकास किन गुणों के माध्यम से हो सकता है इसको प्रत्यक्ष व्यवहार के रूप में भी और साथ ही साथ दिशा निर्देश किया है जो करके दिखाता है वो ब्राह्मण. ऐसे अनेक उदाहरण उत्तर और दक्षिण को एक रेखा खींचकर उत्तर से गया हुआ उस समय का ऋषि अगस्त ऋषि दक्षिण में जाकर तमिल सीखकर सारे लोगों को जिस तरीके जोड़ने का प्रयास किया ये अद्भुत है, अद्भुत है. विंध्याचल ने कहा तुम ही रहो तुम रेखा के रूप में, उत्तर और दक्षिण दोनों को समवाय करने का प्रयास किया.
ऐसे अनेक ऋषि महान, उनका वर्णन आप सब लोग विद्वान पुरुष हैं, अच्छी तरह जानते हैं बताने का। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा पश्यन्तु। ये जो मंत्र है ये ब्राह्मण ने प्रदान किया, ये है ब्राह्मण की। और इसे ब्राह्मण जातिवाद क्षेत्रवाद इसे ऊपर है, और जातिवाद और क्षेत्रवाद के ऊपर होने के कारण उसके चिंतन की जो गहराई है वो संपूर्ण मानव विकास की है। उसे चिंतन की गहराई उस तरफ है जिन संस्कारों से युक्त होकर व्यक्ति के अंदर निर्माण अवगुणता इस प्रकार की होती है कि उसके अंदर साहस पैदा करता है, स्वाभिमान पैदा करता है, आत्मविश्वास को जागृत करता है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्ति वाला निबोधन, ये जो विवेकानंद जी का संबोधन था, उद्बोध था, उठो जागो अपने श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति करो, इस बात को तो प्रेरित करता है। चरैवे चरैवे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, कितना भी कंट का निर्माण हो चिंता नहीं, क्योंकि आध्यात्मिकता ये जो भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर शारीरिक कष्ट जरूर होगा लेकिन आध्यात्मिक ताकत के बल पर यह स्वरूप ही ब्रह्म। और इसके कारण ब्राह्मण लोगों ने अनुसार सर्वोच्च माना, ब्राह्मण पुरुषार्थ का जो स्वरूप रहा चंद्रदूत का निर्माण करते हुए उनको दिशा निर्देश करने के लिए स्वयं जाकर कुटिया में रहते, और कुटिया में रह करके उन्होंने पूरे सम्राट का हमेशा दिशा निर्देशन किया। तो ब्राह्मण को इसमें विश्वास रखता है, ऐसा वास्तविक सर्वम जब किंचित जगत ज्ञान जगत तीन तीन अमृता मां का चिंतन। ये रहा है ब्राह्मण का स्वरूप। हमें उतनी भोग की आवश्यकता है जितने में शरीर हमारा चलता है, बाकी समाज का है। अब चूंकि एक ब्राह्मण की दृष्टि थी, ब्राह्मण की सोच थी, ब्राह्मण के चिंतन का विस्तार था, ये स्वरूप रहा है। अब इसी कारण समाज आगे रहा, आज की जो व्यवहारिक स्थिति है इसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। आज की व्यवहारिक स्थिति है ब्राह्मण की सोच उसी प्रकार, ब्राह्मण वैसे ही करना चाहता है लेकिन विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के कारण और स्वयं सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण उसकी कठिनाई पैदा होती है। अपने स्वयं को समान करते चलना, परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास करना और साथ ही साथ समाज को भी आगे बढ़ाने की दिशा में अपने को लगा देना, यह आपके जो ये समूह आज बैठा हुआ है वह समूह इस प्रकार का सोचकर लोग आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। अभी मैं ओम शर्मा जी का सुन रहा था, पूरा दिवाकर जी ने पूरा उसको बताया, और राजा कौशिक जी तो बिल्कुल आक्रामक थे कि बड़ा गड़बड़ हो रही है, इस विचार को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। ये होगा, ये मान के चलिए हमेशा होगा, ये नई बात नहीं है। ये चीज जहां सदपक्ष रहा है उसके सामने असद पक्ष बराबर विद्यमान रहा है, उसने हमेशा कोशिश की है कि सदपक्ष अच्छा वाला पक्ष आगे न पढ़ने का, और अनेक प्रकार के बाधाओं का किया है लेकिन सदपक्ष की हमेशा विजय रही है। इसलिए विजय रही है कि डट करके काम करने की मानसिकता, हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे क्योंकि सत्य पर आता है, हमारे अंदर की आंतरिक शक्ति सत्य के अनुरूप है। के लक्षण को अपन में किया है, उसके अनुसार हमने अपने व्यक्तित्व को, और उसके अनुसार अपने व्यक्तित्व का निर्माण होगा तो कोई ताकत को बरात नहीं कर सकता, कोरोना नहीं बरात कर सकता है, न कोई ताकत बरात कर सकती है, न कोई बीमारी उसको, और इस ताकत का अनुभव करने की मानसिकता है। आज भी वो अपने स्थान पर शाश्वत है, शाश्वत सत्य इसको अगर जीवन में अपनाकर व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करेगा तो अनेक प्रकार की आपत्तियों विपत्तियों के आने के पश्चात भी उसको किनारे जितने आगे अनेक प्रकार की आर्थिक विपन्नता आती है। ब्राह्मण सामान्य तौर पर देखा जाता है तो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से संपन्न उतना नहीं रहता है, हमने देखा है बहुत स्थान बहुत ही ब्राह्मण, लेकिन उनका स्वाभिमान जीवन है,
अगर उनके स्वाभिमान को किया आघात करता है तो उनका अब स्वाभिमान चकता है, किया। लेकिन उनके चिंता करने की आवश्यकता है कि उनके आर्थिक स्थिति को भी हम कैसे ठीक करें, हम कैसे इस तरह की आर्थिक व्यवस्था करें जिस आर्थिक व्यवस्था के आधार पर वो भी ठीक हो और समाज के बाकी के इस स्तर पर काम करने वाले लोग भी वो भी ठीक हो। और ये व्यापक चिंतन के आधार पर होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस तरह की सोच पैदा की, उन्होंने एकाध मानववाद के दर्शन के आधार पर ये समग्रता में विचार करना, इंटीग्रेटेड तौर पर विचार करना, इस प्रकार की सोच देकर जो अंत्योदय की कल्पना उन्होंने किया, जो बहुत गरीब से गरीब व्यक्ति उसके पास चीजें पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, अगर उसके पास चीजें पहुंच रही है तो समझ लो तुम्हारी आत्मव्यवस्था ठीक है। यह सोच इस स्तर के लोगों ने प्रदान किया है। उस सोच को देखकर आर्थिक व्यवस्था में इसके अनुरूप रहना जिसके आधार पर गरीब से गरीब व्यक्ति चाहे किसी वर्ग और बिरादरी का होगा उसे लाभान्वित हो सके। लेकिन चूंकि ब्राह्मण सम्मेलन के अंदर ये बात चल रही है, मैं ऐसा अनुभव करता हूं ब्राह्मण सम्मेलन में ब्राह्मणों के अंदर के जो उनकी सोच है, जो उनका चिंतन है, चिंतन की जो गहराई है, जो उनका संस्कार है और संस्कृति के आधार पर चलने की जो मानसिकता है उसके आधार पर जब चलते हैं तो संपूर्ण समाज उनके अंदर समाहित हो जाता है। संपूर्ण समाज अगर दिवाकर जी बात बोलते हैं तो दिवाकर जी केवल अपने व्यक्तिगत बात नहीं बोल रहे, तो दिवाकर जी बोल रहे हैं संपूर्ण समाज उनको समाहित हो रहा है। ओम शर्मा बोल रहे हैं तो संपूर्ण समाज समाहित हो रहा है। कनाडा के हमारे आजाद कौशिक बोल रहे हैं तो पूरा कनाडा, अभी कनाडा पूरे कनाडा का नाम दिया, पूरे देश पूरा मानव समाहित है। और उससे भी अगर ऊपर उठ करके सोचे तो पूरा विश्व और पूरी वसुधा जिसको आपके चिंतन व्यवहार और व्यावहारिकता के आधार पर ही वसुधा कुटुंबकम की बात की, जिसमें गिर इंद्राएं, जिसमें वनस्पतियां, नदी नाले, ये सब हमारे परिवार के हैं। इसलिए हम नदी की भी पूजा करते हैं और वृक्ष की भी पूजा करते हैं, पत्थर की भी पूजा करते हैं। ये सारी चीजें चिंतन की गंभीरता, संस्कृति का संस्कार और पूरे मानव के कल्याण की मानसिकता, परिवार और पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए पूरे विश्व को बचाने का, पूरी धरती को बचाने का प्रयास, ये जो चिंतन है, चिंतन की गहराई है, इसके कारण है। और इसलिए आप कोई भी बात बोलते हैं, चाहे जितने लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया है, ये सबके पीछे का भाव यही है। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। अभी जैसा बागेश्वर शर्मा जी ने आविष्कार कर दिया, ये भगवान जिनको आदिदेव कहते, देव के देव महादेव कहते, अगर उनको कहूं मैं तो सबसे बड़े पर्यावरण के संरक्षक को महादेव, सबसे बड़े पर्यावरण के संरक्षक जिन्होंने प्रकृति के सभी अंगों को समन्वित किया और उसके आधार पर चले हैं। ये प्रारंभ से हमारे यहां का चिंतन इस प्रकार रहा है जो पूरे वसुधा का रहा है। तो यार हम बोलते हैं, एक एक व्यक्ति अगर बोलता है तो उसके अंदर वो चिंतन झलकता है, वो चिंतन का स्वरूप आता है। और इसीलिए आज के इस ये वैदिक चिंतन के बारे में हमारे मिश्रा जी ने विषय, ये तो उसके अंदर सारा समाज है, सारा समाज। और वैदिक संस्कृति के आधार पर ही आज ही चलने का प्रयास कर रहे हैं, जिस सनातन धर्म का नाम उन्होंने लिया, सनातन धर्म तो उसी का एक स्वरूप है। वो सनातन धर्म नाम कहा, सनातन धर्म धर्म का, जैसे मैंने धर्म की परिभाषा के बारे में बताया, मनु के उस मनुस्मृति के अंतर्गत का वो धर्म शाश्वत है, उसे सनातन कहा गया। और उसी को लिया, किसी वर्ण विशेष, जात विशेष और पंथ विशेष से संबंधित नहीं है, वो सबके लिए, सभी मानव के लिए। अब उसको कैसे अनुसार करवाएगा, उसको ध्यान रखते हुए आज की जो महामारी का होना बड़ी व्यापक तो पूरे विश्व में, अच्छा है कनाडा में आपने नियंत्रित कर दिया है और भी जहां लोग नियंत्रित कर रहे हैं, इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, अपने अंदर के सात्विकता को प्रयोग करिए, इम्यूनिटी बढ़ेगी आपकी, अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाइए, इम्यूनिटी बढ़ेगी आपकी, कोरोना आपको कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग इस समय लॉकडाउन हुआ, बाकी सब्जी हुई, परेशान हुई,
मैं सुरेश मिश्रा के लिए और बाकी के और भी हमने भी कई लोगों को प्रेरित किया, सब लोगों ने समाज की सेवा की, हर स्तर पर किया, जाकर उनको सहयोग प्रदान किया, चाहे भोजन का होगा चाहे अन्य सारी चीजों का होगा। और ये लगा है कि हम पूरे समाज के हैं और पूरे समाज के होने के कारण ये हमारे परिवार का भी है। तो किस बिरादरी का है, किस जात का है, एससी है, अनुसूचित है, ट्राइबल है, ये चिंता नहीं था। ये है हमारे समाज का, हमारे परिवार का है, इसको हम मरने के लिए देंगे और खाना पूरा देंगे। और किया है लोगों, बहुत सारे लोगों ने किया, और जो ब्राह्मण समाज के बंधुगण थे उन्होंने भी आगे बढ़ने के लिए काम किया है। तो कोरोना के समय कोरोना को मात देने के अपने आत्मविश्वास, अपने सात्विक प्रवृत्ति, अपने गहन चिंतन और परम जो एक दूरदृष्टि है, दूरदृष्टि के आधार पर सोचकर कोरोना में भी हम कैसे नई चीज निकाल सकते हैं, ये सोचकर लोगों को लगाने का प्रयास, ये भी करने का प्रयास किया गया है। और आज का जो कार्यक्रम हुआ है ये निश्चित रूप से उसी दिशा में लोगों को एक आगे बढ़ने के दृष्टि से काम करने का प्रयास किया गया है, जिस पर ये चिंतन आए हैं। और मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि एक बार जरूर चिंतन करना चाहिए, जो ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मण समाज है, सामने उसे मिलकर जहां स्वयं के से संबंधित ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो विपन्नता की जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उनके जीवन में आर्थिक उन्नयन कैसे किया जाए, और साथ ही साथ पूरे समाज में भी जहां भी इस तरह की स्थिति निर्माण है जिसके कारण लोग त्रस्त है, शिक्षा की कमी है, अनपढ़ है, उनको भी कैसे आगे बढ़ाकर अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जाए, और साथ ही साथ जो गरीब है, पढ़ नहीं सकते लेकिन जिनके अंदर टैलेंट है, जिनके अंदर यूनिवर्सिटी आइडिया आती रहती है, गांव में रहने वाले लोग भी बहुत पढ़े नहीं लेकिन उनके अंदर नवाचार की प्रवृत्ति बढ़ती है, ऐसे लोगों की तलाश है, उनके द्वारा उत्पन्न किया हुआ, उनके द्वारा चलाया हुआ, उनके द्वारा सोची हुई जो यूनिवर्सिटी आइडियाज है उनको कैसे आगे बढ़ाकर चला जाए, ये भी देखने की आवश्यकता है। और आपके साथ बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि ब्राह्मण नौजवान, ब्राह्मण बच्चे जो आगे बढ़े उनके अंदर काम करने की प्रवृत्ति, और सही माने में नवाचार अगर उनको बता दें कि इस पर तुम जरा ढंग से आविष्कार करके कुछ करने की कोशिश करो, तो उनके अंदर काम करने की प्रवृत्ति चलती है, अवसर की अवसर किस प्रकार का अवसर प्रदान करने का प्रयास हो जाए। मैं समझता हूँ विश्व ब्राह्मण सम्मेलन के अंतर्गत जिन विद्वत जनों ने, आप सभी विद्वानों ने बड़े ही विश्व के अंदर कई चीजों को देखकर अनुभव जन्य सारी चीजों को प्रस्तुत करने वाले हैं, और हमारे सांसद आदरणीय डॉक्टर वीरेश शर्मा जी, इनके बारे में मैं बहुत सुन रखता हूँ, बहुत जानता हूँ। आपके पिताजी आए थे एक बार दिल्ली में, शर्मा जी, और हमें बता रहे थे कि मैं उस समय देवरिया का सांसद था, तो हमें बता रहे थे कि उनके पिताजी आपके बाबा वो शायद वहां आईपीएस के रूप में वहां थे, और उन्होंने मंदिर बनाया था वहां के पुलिस से। हमने उन्होंने पूछा वहां के फोन करके, भाई देखो वहां मंदिर है क्या, पुराना मंदिर, तो बात कर रहा था मैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे योग्य लोग, संस्कारित लोग, विदेश में रहने के बाद भी अपने अस्तित्व को अच्छी तरह से विद्यमान रखने वाले, ये सही माने में अपने समाज को भी दिशा दे सकते हैं, जहां रह रहे हैं उस क्षेत्र को भी दिशा दे सकते हैं, और जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं अपने विचारों के माध्यम से कानून बनवाता है, जैसा चाहे वैसा करवा दे सकते हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर वीरेश शर्मा जी और बहुत सारे लोग, तो ये सब लोग इतने योग्य हैं, विचारशील हैं, निश्चित रूप से इस दिशा में और विचार करते हुए कोई चीज कर सके ज्यादा अच्छा है। मैं तो राजस्थान में हूँ, सुरेश मिश्रा जी के शर्मा जी ने और आजाद जी ने कहा ये भूमि कला की भूमि, और चाहे तो आपको प्राप्त काशी जैसा है,
अरे यहाँ देवताओं का पास ये देवभूमि राजस्थान देवभूमि से पंडित सुरेश शर्मा थे आप आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए भगवान शंकर के शंकर का पाठ है उस समय आप सब लोगों को बधाई देता हूँ अभिनंदन करता हूँ बहुत 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 धन्यवाद महामहिम महोदय राज्यपाल जी को मैं चाहता हूँ अभी नमस्कार ही करना चाहूंगा अरे बहुत बहुत धन्यवाद आवाज आती है अब आवाज आ रही है आपकी आवाज आ रही है मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार एंड बहुत बहुत सौभाग्य है अब मैं आलोक शर्मा जी से आगे करूंगा धन्यवाद ज्ञापित करें सभी लोगों का आलोक शर्मा जी नमस्कार भाई साहब धन्यवाद आपने बहुत अच्छा आयोजन किया मैं सुरेश जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दिवाकर जी भाई साहब का कि एक ऐसा आयोजन किया तो आप सभी जो सम्माननीय ब्राह्मणगण हमारे जो बुजुर्ग हैं समकक्ष हैं उन पधारे आज माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र जी माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जी मांगीराम शर्मा जी ओम शर्मा जी नरिशान जी आजाद कौशिक जी केसी पांडे जी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही आयोजन हम लोगों को करते रहने चाहिए जिससे कि हम संपूर्ण विश्व में जो ब्राह्मण हैं जो जुड़े हुए नहीं उनको जोड़ के अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकें बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सभी लोगों का नमस्कार प्रणाम बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार एक आग्रह मेरा हो रहा है ये जो अपना जो पूरा वीडियो बनाया गया है इसका लिंक अपन सब जगह शेयर करेंगे तो जो जो अपने अपने फेसबुक पेज पर इसको भेज सकता है मैं लिंक के माध्यम से सूचना पहुंचा दूंगा आप लोग सब लोग इससे जुड़ते रहे अपन लोग आगे बढ़ते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद धन्यवाद जय हिंद बहुत बहुत धन्यवाद सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद